नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, थवनेस बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ, अरे भाई मुझे जान के क्या करोगे, जानना है तो इस चैनल को जानो कि थवनेस बाबा क्या चीज है। तो ये जानने के लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत ही जल्द अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर बेल आइकन को ना दबाया तो हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको कैसे देखने मिलेंगे। रुपया ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखे और हमारा मनोबल बनाए रखे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चुनिंदा एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने एक्टिंग से जादूगरी जगाना जानते हैं, और उनमें से एक है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी ने थिएटर से टीवी और टीवी से फिल्मों तक का बड़ा लंबा सफर तय किया है। अपने रोल के प्रति उनकी खास अप्रोच उनके किरदारों को यादगार बना देती है। 23 अप्रैल बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी का जन्मदिन है और वो 49 साल के हो गए हैं। मनोज बाजपेयी उन कलाकारों में से है जो छोटी सी जगह से उठकर आए और अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई। वो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज हम उनकी फिल्मी जिंदगी नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। मनोज बाजपेयी का जन्म बिहार के चंपारण के पास एक छोटे से गाँव में हुआ था। वो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे जहां उनके पिता किसानी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर आते हैं। जब मनोज NSD के बाद दिल्ली में काम के लिए लगातार स्ट्रगल करते रहे, तब वे अपनी बहन को 2 रुपये का सिक्का देकर बस में बिठा देते थे और खुद पैदल अपने थिएटर ग्रुप तक जाते थे। मनोज ने अपने स्ट्रगलिंग के दौर में दिल्ली की एक लड़की के साथ शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। कहा जाता है कि मनोज और उनकी पहली पत्नी 2 महीने में ही अलग हो गए थे। उनके अलग होने की वजह मनोज का स्ट्रगलिंग टाइम माना जाता है। सत्या, सूल, जुबेदा, पिंजर, अलीगढ़, ऐसी ही कई कमाल की फिल्म देने वाले मनोज बाजपेयी को बचपन से ही थिएटर में रुचि थी और NSD के बाद तो एक अलग ही मनोज नजर आने लगे थे। मनोज बाजपेयी का संघर्ष हम सबके लिए मिसाल है। उन्होंने NSD की पढ़ाई से लेकर दिल्ली के स्ट्रगल तक घर से एक पैसा नहीं लिया था। आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी को NSD ने 4 बार रिजेक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने सुसाइड का मन बना लिया था, लेकिन बाद में दोस्तों के समझाने के बाद वे नुक्कड़ नाटकों में एक्टिंग करते रहे। उन्होंने नाटकों के साथ थिएटर भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1 मिनट की फिल्म द्रोह काल से बतौर एक्टर डेब्यू किया। साल 1994 में बैंडिक क्वीन जैसी यादगार फिल्म में काम मिला, लेकिन ये सभी फिल्में उन्हें कोई खास फायदा नहीं दे पाई। करीब 4 साल बाद 1998 उनकी जिंदगी में सत्या आई। इस फिल्म में गैंगस्टर भिकू मात्रे के रोल में दिखा दिया कि मनोज बाजपेयी कितना दम रखते हैं। इसके बाद 2006 में बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा से शादी की। नेहा का असली नाम सबाना रजा है। नेहा ने फिल्म करीब से बॉलीवुड में 1998 में एंट्री की थी। इस फिल्म में वो अभिनेता बॉबी दियल के साथ नजर आई थी। फिल्म करीब के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने उनका नाम बदलकर नेहा रखा था। इसके बाद अब ज़्यादातर लोग उन्हें नेहा नाम से ही जानते हैं। मनोज और नेहा ने फिल्म करीब के रिलीज होने के बाद ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों ने साल 1998 में डेटिंग शुरू की थी। लगभग 7 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2006 में दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद नेहा ने एक तो फिल्मों में ही काम किया और फिलहाल वो बॉलीवुड से दूर है। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम अवा नाइला है। मनोज बाजपेयी ने कई यादगार और बेहतरीन शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया है। कीर्ति, इस शॉर्ट फिल्म में मनोज बाजपेयी नजर आए हैं राधिका आप्टे के साथ। वैसे आपको बता दें कि इनकी ये शॉर्ट फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही, इसके बावजूद लोगों ने इसका खूब पसंद किया। आउच, मनोज बाजपेयी की इस शॉर्ट फिल्म को आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मनोज बाजपेयी स्टार्टर शॉर्ट फिल्म तांडव में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। फिल्म में आपको मनोज बाजपेयी की एक्टिंग का बेजोड़ कारनामा देखने को मिलेगा। फिल्म को निर्देशित किया है देवाशीष माखीजा ने। मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन पर फिल्माई गई शॉर्ट फिल्म जय हिंद भी आपको चंद शब्दों में बहुत कुछ बता जाएगी। मनोज शॉर्ट फिल्मों से भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं।
आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है, तो हमारी मेहनत को नाकाम ना करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में बताएं। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। जय हिंद।